हेलो फ्रेंड, तो आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, ये GTU की साइट है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की साइट है, जो जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि सर GTU के पेपर कहाँ से हम डाउनलोड करें। हालांकि उसके एक शॉर्टकट टेक्निक भी है, या तो आप यहाँ डायरेक्ट साइट पे भी आ सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट गूगल पे जाएं, या गूगल पे सर्च करें GTU एग्जाम पेपर। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम पेपर सर्च करेंगे, इस तरीके से पेपर सर्च करेंगे तो पहला ये जो ऑप्शन आ रहा है इस पे आप सिलेक्ट कर दीजिए, तो इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ये जैसे पहले ओपन कर दिए तो इस तरीके से आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि ये ईयर है, कौन से ईयर का आपको पेपर चाहिए, और यहाँ पे कोर्स, कोर्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस है, जैसे कि आप बीई कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं। जैसे डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा का यहाँ डाल देंगे, ये जैसे डीआई है डिप्लोमा, आपको ये पता रहना चाहिए। कभी कभी डीई भी लिखा रहता है, लेकिन डीआई यहाँ पर है डिप्लोमा के लिए। फिर बाद में अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो बीई पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, और डिप्लोमा कर रहे हैं तो डीआई पे क्लिक कर दीजिए, ये डीआई। ठीक है, डीवोक कर रहे हैं तो डीवोक पे डीवी करके होगा, उस पे सिलेक्ट कर देंगे डीवी पे। ठीक है, समझ में आ रहा, डीआई पे कर दिया। उसके बाद से आपको जो सेमेस्टर का जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए तो उसका कोड पता होना चाहिए। ठीक है, अगर उसका कोड पता है तो आप कोड यहाँ पर जैसे एंटर करोगे वैसे ही वो सब्जेक्ट यहाँ पे, जैसे मैं मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट कोड डाल देता हूँ 3333401, ये पुराना कोड है, अभी तो नया आ गया सिलेबस। तो देखिए एक सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है, अभी ये कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा, बेसिक मैथमेटिक्स का है। तो ये पेपर आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और चाहे तो आप यहाँ पे डाउनलोड करके इसमें सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो जरूर कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, अगर कोई भी इससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करें, जरूर आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू।